अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सहजन की फली की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है, रात के साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिंस और कैल्शियम होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सहजन की फली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, ऊपर से थोड़ी बहुत स्किन भी हटा देंगे। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी लिया है। इसमें हमने 2 चुटकी हल्दी डाली है, 1/2 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, बाकी ये हम सहजन की फली इसके अंदर डाल रहे हैं। इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, साथ में इसकी स्किन को थोड़ा सा ऊपर से निकाल दिया है। ये स्किन जो है खाने में थोड़ी कड़वी भी लगती है, और इसको आप निकाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको हम पकाते हैं, तकरीबन 80% तक इसको कुक कर लेंगे हम इसमें, और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे। अब हम इसके लिए ग्रेवी बना लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जब तक फली आपकी बॉईल हो तब तक आप ग्रेवी रेडी कर लें। तो यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया है, 1/2 छोटे चम्मच में जीरा ऐड किया है मैंने। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे प्याज को, और 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। तो ये देखिए 2-3 मिनट मैंने प्याज को पकाया है, ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि जो लहसुन अदरक में रॉ स्मेल होती है इसकी, वो चली जाए, तब तक आप इसको भून लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को आप चाहें तो बारीक काट करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से मिक्सी में चला के प्यूरी बना के ऐड कर लें। अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लें, इसके बाद आप मसाले ऐड करें। मसालों में हम बहुत ही सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ऐड कर रहे हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे, जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इस मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे। तो पहले हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से पकने में मसाले को 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, और पकने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिखेगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा। अब इसके अंदर हम जो हमने बॉईल किए हुए सहजन की फली रखी है वो ऐड कर लेंगे। तो हमने इन फलियों को 80% तक कुक कर लिया है, और इसके साथ जितना भी पानी बचा था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इन्हें 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे कवर करके। तो थोड़ा सा पानी इसमें 1/2 कप के करीब पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। बाद अब इसको हम ढक के 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाए, और जो हमारी फलियां अभी 20% रह गई हैं वो भी पक के रेडी हो जाएंगे। तो इसे कवर करेंगे, और कवर करके हम इसको रख देंगे 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ये देखिए इस तरह से ही हमारी फलियां पक के रेडी हो जाएंगी, और इसके अंदर जो ग्रेवी है वो हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी पीनट्स यानी कि मूँगफली ली थी, 1 मुट्ठी मूँगफली को रोस्ट करके तवे पर और मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, वो पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये पाउडर ऐड करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो ये पाउडर आप ज़रूर ऐड करें। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए ढक के और पका लें। तो ये हमारे सहजन फली की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यानी 1/2 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो आप इस सब्ज़ी को चाहे थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, या आप इस तरह से इसको हल्का सा ड्राई बना सकते हैं। तो मैं इस सब्ज़ी को थोड़ी सी ड्राई ही रखूँगी। ये हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनती है, और साथ ही साथ फ़ायदेमंद भी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। And thanks for watching this video.